ये देखो गाइस, मुझे इस फार्म को बनाए हुए आधा घंटा हो चुका है और देखते हैं अब तक कितने आयरन नगेट हो सकते हैं। 128 आयरन नगेट हो सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि आयरन फार्म कितना इफेक्टिव है। व्हाट्सअप, तो फिर कैसे हो आप? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में 100% वर्किंग आयरन फार्म बना सकते हैं। ये आयरन फार्म बनाना बहुत आसान है, आपको कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखते हो और पूरा एंड तक देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये आयरन फार्म कैसे बनाना है। और अगर फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आती है कि आयरन फार्म वर्क नहीं कर रहा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस आयरन फार्म को बनाने के लिए आपको कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं कि आयरन फार्म बनाना कैसे है। आयरन फार्म बनाने के लिए आपको ये सामान की ज़रूरत पड़ेगी। ब्लॉक, ब्लॉक आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, मैं अभी स्टोन ब्रिक्स यूज़ कर रहा हूँ। और चेस्ट, हॉपर, ग्लास, वाटर बकेट, बेड, वेल्जर्स आप कहीं से भी ला सकते हो। मैं अभी क्रिएटिव मोड में खेल रहा हूँ तो मुझे एग मिल गए। आप वेल्जर टावर के साइड से काट के जरिए वेल्जर को लेकर आ सकते हो अपने आयरन फार्म में। और आपको लावा बकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम वीडियो को करते हैं शुरू। मैं हूँ आपके साथ आर्गन और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बनाने से पहले आपने कोई ऐसी जगह ढूंढ लेनी है जहाँ पर आसपास कुछ भी ना हो, जैसे मैंने ढूंढ रखी है। और यहाँ पर आपने सबसे पहले सेंटर में दो चेस्ट रखने हैं। ये चेस्ट यहाँ पर आपने दो सेंटर में रखने हैं, एक दो साथ साथ में, ताकि ये कनेक्ट हो जाए। और इसके साथ चार हॉपर कनेक्ट करने हैं। मैं जल्दी जल्दी हॉपर कनेक्ट कर देता हूँ। ये चार होपर आपने यहाँ पर कनेक्ट कर देने हैं। उसके बाद आपने 4x4 का एक ऊपर तक पिलर बना देना है। ऐसे ग्लास के जरिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, मैं अभी ग्लास के साथ बना रहा हूँ। ऐसे आपने इस पिलर को ऊपर तक क्रिएट कर देना। आप चेस्ट के ऊपर ग्लास ही लगा सकते हो, अगर कुछ और लगाओगे तो आपका चेस्ट खुलेगा नहीं। अभी अभी मैं इसे आपको खोल कर दिखा देता हूँ, ये खुलेगा। अगर आप कुछ और लगाओगे तो ये खुलेगा नहीं। अब यहाँ से आपने 8 ब्लॉक गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और यहाँ से आपने इसे पूरे को कवर कर देना है। मैं अभी ब्लॉक के साथ इसे कवर कर देता हूँ। जल्दी जल्दी मैं इसे कवर करने के बाद आपको आगे बताता हूँ। गाय से पूरा कवर करने के बाद कुछ ऐसा ऐसा दिखाई देगा। तो आपने यहाँ दो ब्लॉक छोड़ देने हैं। यहाँ हम डो लगाएंगे, अब बाद में डो लगाएंगे। अब आपने इसके ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आपने चार चार आठ आठ ब्लॉक स्ट्रेट यहाँ से बिल्ड करना है। यहाँ से मैं दोबारा गिन लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऐसे ही चारों तरफ हमें यहाँ पर बना लेना है। ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसे आपने सबको कनेक्ट कर देना है। ऐसे आपने ऐसे एक ऊपर बेस बना लेना है, जैसे मैं बना रहा हूँ। अब हमने इसे पूरा कवर कर देना है। ये देखो गाइस, इसे पूरा कवर हो गया। अब ऊपर कुछ करने से पहले हम नीचे जो हमने खोद रखा है यहाँ पर लावा डाल देते हैं, यहाँ पर, ताकि नीचे ज़ॉम्बीज हो या फिर कुछ और स्पॉन ना हो। अब जहाँ जहाँ लावा डाला है यहाँ ऊपर ग्लास लगा देंगे। अब यहाँ हम डोर लगा देंगे।
नीचे की तरफ। यहाँ मैं डोर निकाल लेता हूँ, ये रहा डोर। डोर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि जो डोर मैंने यूज़ किया आपने भी वही डोर करना है। और डोर के ऊपर जो जगह बची है वहाँ हम स्टोन लगा देंगे और हम बाहर आ जाएंगे। यहाँ कर देंगे इसे बंद। अब हमने ऊपर की तरफ इस यहाँ बॉर्डर बनाना है, यहाँ यहाँ बॉर्डर बनाने के बाद आपने चारों तरफ एक एक ब्लॉक लगा देना है ऐसे। यहाँ हर कॉर्नर में सिर्फ एक ब्लॉक लगाना है यहाँ, और उसके ऊपर वाटर डाल देना है ऐसे। और ऐसे तीसरी तरफ और चौथी तरफ। अब आपने जहाँ वाटर डाला है वहाँ एक ब्लॉक छोड़कर सभी तरह इस वाटर को डाल देना ऐसे। अगर आपका वाटर बिल्कुल सेंटर तक नहीं है, मतलब कि यहाँ अंदर नहीं जा रहा, तो आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल सही बना है। अगर आपका पानी अंदर जाएगा तो ये गलत है, आपको इसे सही करना पड़ेगा। ऐसी दूसरी तरफ ये देखिए, वे बिल्कुल सही बन गया। पानी बिल्कुल सेंटर तक आ रहा है। अगर आपका पानी सेंटर तक नहीं आता और अगर सेंटर के आगे चला जाता तो आपको इसे ठीक करना पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ आपने यहाँ ग्लास को तोड़ देना है, जहाँ जहाँ पानी नहीं आ रहा और वहाँ वहाँ ये लावा डाल देना। यहाँ पर जहाँ जहाँ पानी नहीं आ रहा वहाँ वहाँ आपने लावा डाल देना। ये देखो मैंने लावा डाल दिया। अब इसके बाद यहाँ आपने तीन ब्लॉक की हाइट पर एक पैनल बनाना है, जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे। तीन नहीं, हम चार ही कर देते हैं यहाँ पर। यहाँ आपने 8x8 का पैनल बना लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 20 बेड रखने हैं, ध्यान रखना है 20। अगर एक बेड कम हो ज़्यादा होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। मैं इसे दोबारा गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20। ये फालतू बन गए हैं, हम इसे तोड़ देते हैं। और आपने ये जो नीचे बेस बनाया है इसे भी तोड़ देना है। मैं जल्दी जल्दी इसे तोड़ देता हूँ। You're
ये बेड लग गए हैं। अब आपने यहाँ पर दो टर्मिनल बना लेने हैं। आपने स्लैब्स यूज़ कर लेनी है। मैं यहाँ से स्लैब्स निकाल लेता हूँ, ये है। आप कोई भी स्लैब्स यूज़ कर सकते हो। आपने यहाँ 4x4 के दो टर्मिनल बना लेने हैं, यहाँ 1, 2, 3, 4, और इसे चारों तरफ से कवर कर देना है ग्लास के साथ। अब ऐसा एक टर्मिनल उस तरफ आपने बनाना है। अब इसके अंदर बेलजस डालने से पहले आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पर 5 कैट्स को स्पॉन कर देना है। मैं कैट एग निकाल लेता हूँ। कैट स्पॉन करने से होगा ये कि ऊपर से 5 गोलम स्पॉन होंगे और कुछ नहीं स्पॉन होगा। ये रहा कैट एग। हमें यहाँ पर 5 से 10 कैट फोन करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये भी बंद करना होगा। पहले यहाँ 3 कैट्स फोन कर देता हूँ और 3 कैट्स यहाँ पर। अब इसे हम बंद कर देंगे। हमने इसे पूरे अच्छे से कवर कर दिया है। अब हमने जो टर्मिनल्स बनाए थे वहाँ आपने 10-10 विल्जर्स को ऐड कर देना है। एक टर्मिनल में 10 विल्जर्स होंगे जिससे एक बार में 2 आयन गोलम्स प्रोड्यूस हो पाएंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि छोटे वाले विल्जर्स को यूज़ नहीं करना और ग्रीन वाला विल्जर्स वो भी नहीं यूज़ करना, वो विल्जर्स किसी काम के नहीं है। ये 10 विल्जर्स ऐड हो गए और 10 विल्जर्स आपने इधर ऐड कर देने। ये 10 विल्जर्स यहाँ हो गए और 10 विल्जर्स उधर हो गए। ये बेड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अब आपने यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल को ऐड करना है जिससे आयरन कॉलम प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे, या फिर फ्लैचिंग टेबल भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर फ्लैचिंग टेबल यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ आपने 10 फ्लैचिंग टेबल लगाने हैं हर एक। इसे लगाते ही थोड़े टाइम के बाद आपके आयरन गोलम प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। ये देखो गाइस, हमारा पहला आयरन गोलम स्पॉन हो भी गया। ये सीधा अंदर जाएगा और यहाँ मारकर सीधा आयरन चेस्ट के अंदर चला जाएगा। ऐसे ही आपके आयरन गोलम स्पॉन होने शुरू हो जाएंगे। ये देखो गाइस, मुझे इस फार्म को बनाए हुए 1/2 घंटा हो चुका है और देखते हैं अब तक कितने आयरन नगेट हो सकते हैं। ये देखो आप, 64 दो बार, मतलब कि 128 आयरन नगेट हो सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि आयरन फार्म कितना इफेक्टिव है। अब इस वीडियो को आप लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।